इसका हम लोग यहाँ थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू, में यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक्स, देखिए 2 -1 -1 -1 2 -1 1 -1 2 ये ना दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। चलिए देखिए आर के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 को लेते हैं, यहाँ ये और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वन 2 -1 -1 2। फिर माइनस, माइनस का 1 ये लेंगे, माइनस में होता है और एक यहाँ भी माइनस, डबल माइनस इसलिए लग गया। ये रहो ये कॉलम हटेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आ जाएगा -1 -1 1 2। फिर प्लस का 1 लेते हैं, ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो -1 2 1 -1। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 4 -1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1 +1 × 1 -2। तो 2 × 3 1 × -1 और 1 × -1। तो 6 -1 -1 यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब चलिए जॉइंट निकालने के लिए बात करते हैं। हर एक एलिमेंट का आपको फैक्टर C11, आपको साइन तो मैंने बता ही रखा कई बार, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का प्लस। चलिए हाँ, तो C11 ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 4 -1 3। C12 ये निगेटिव होता है, अच्छा ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, तो अंदर -1 बाहर माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग C13 पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 - 2 - 1 हो जाएगा। C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस का 2 और प्लस का 1, अंदर माइनस आएगा माइनस का 1 और बाहर माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। C23 ये निगेटिव होता है, अच्छा ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस का 2 और प्लस का 1, अंदर माइनस 1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं C31 पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 - 2 यानी यहाँ से आ जाएगा आपका -1। C32 ये आपका निगेटिव होता है, ये रो और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये अंदर -1 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1। C33 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 4 और माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, मैं इन सभी को फैक्टर को सजा कर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, 3 - 1 - 1 1 - 1 1 3 का ट्रांसपोज तो आ जाएगा आपका 3 - 1 1 3 1 - 1 1 3, ये ना हो जाएगा। चलिए तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी हो जाएगा 1/ a का वैल्यू है 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है ना जी, चलिए 1/4 और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला है 3 - 1 1 3 1 - 1 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलिए।